વર્ષમાં મહિના હોય છે જ્યારે લોકો દિવાળી કરતા રાહ જોઈ છે બિગ બોસની, અને બિગ બોસના સુપર હોસ્ટ જે છે સલમાન ખાન આપણી સાથે છે. સર બહુત અચ્છા ગરબા કિયા આપને, બહુત બહુત શુક્રિયા આપને જો ગરબા કિયા. લોક બહુત ખુશ હોંગે, હર વાર આતે હૈ કુછ નયા લાતે હૈ. લોક જો હોતે હૈ બહુત જ્યાદા એક્સાઇટેડ હોતે હૈ બિગ બોસ કે ઘર કે કન્ટેસ્ટન્ટ સે જ્યાદા આપકો દેખને કે લિયે એક્સાઇટેડ હોતે હૈ. જો પ્રોમો હૈ ઓર જ્યાદા લોગો કો ઇન્ટરેસ્ટિંગ લગા, બહુત પસંદ આયા સર. હેપી વિથ ધ રિસ્પોન્સ? જી હા, બહુત ખુશ હું રિસ્પોન્સ સે. થેન્ક યુ. 11 સાલ હો ગયે ઇસ શો કો, ક્યા લગતા હૈ ક્યા લોગો કો ખીંચતા હૈ ઇસ શો કે બારે મેં? 11 સાલ વૈસે હી ચલ રહા હૈ જૈસે ચલતા રહેતા થા, ઓર સલમાન સર હોતે હૈ તો ઓર હી કુછ મઝા આતા હૈ ઉન લોગો કો દેખ. મેરે હમે તો ચોથે સીઝન મેં આયા હું, તો उसके पहले आई थिंक बच्चन साहब होस्ट थे, शिल्पा होस्ट थी, अरशद वारसी होस्ट था. तो उस वक्त भी ये शो बहुत चला था. मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, तो इट डजंट मैटर शो में कि होस्ट कौन है, ये शो का फॉर्मेट ही ऐसा चलने वाला है. सर भारत में आजकल जनरेशन वैसा हो गया कि लोग अपने देसी सीरियल्स देखने से ज़्यादा बाहर के सीरियल्स देखते हैं, बट जब भी ये शो आता है उनके पास तो लोग या टीनेजर हो या कोई वृद्ध हो सब ये शो देखना पसंद करते हैं. क्या कारण मानते हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी शो की? एंटरटेनमेंट काफ़ी है शो के अंदर. एक यू नो अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं और अनजान लोग आते हैं, फिर वो दोस्त बन जाते हैं, फिर उनकी नोक झोंक, एक घर में साथ में रहना, यू नो उनका उनका बॉन्डिंग, उनकी दोस्ती, उनकी दुश्मनी, उनके टास्क वगैरह वगैरह वगैरह, उनके यू नो इमोशंस, उनकी स्टोरीज, यू नो वो देखना लोग पसंद करते हैं. सर लास्ट टाइम जब हमने देखा कि एक स्वामी आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो बहुत ओम जी है आए थे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी घर वालों के लिए. तो आप जब भी नाराज़ होते हैं कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, इस बार भी ऐसा कुछ बदलाव है शो में? बेचारे उनका समझ में आया नहीं, अभी तो हर जगह पिटते हैं, पिट रहे हैं बेचारे, हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है. और यही मैं उनको घर में समझाना चाहता था कि ये मत करो ये हरकतें, बट अभी उनकी थिंकिंग कुछ और है. सर माशाल्लाह आपके जो नेबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से रहते हैं, आप फैमिली हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मली जो नेबर्स होते हैं बहुत परेशान करते हैं, आपके जो नेबर्स हैं आपके वालिद साहब और माता जी हैं, तो क्या कहेंगे? वो मुझे परेशान नहीं करते, लेकिन मेरे वजह से वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ उनका जो फ्लैट है वो एकदम रास्ते पे है, तो वो फैंस का आना, फिर रात को यू नो सलमान करके चिल्ला के निकल जाना, फिर जो प्रेस का बाहर होना, फिर ये सब यू नो हॉलीडेज वॉलीडेज के ऊपर वो शाम को भीड़ भाड़ लग जाना, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं उससे. सर छोटे होते हैं तब जो पड़ोसियों के साथ होता है रिश्ता बच्चों का बहुत नटखट होता है, कभी जाके घंटी बजा देना, परेशान कर देना, तो सलमान सर जो है कभी किया करते थे वैसा कुछ? जी जी बहुत, हम सब बच्चे बिल्डिंग के अंदर ये सब बहुत किए हमने. अभी आज वो यहाँ पे था ना, मैं ये व्हाट इज दैट सोसाइटी, तारापुर वाला सोसाइटी के अंदर, तो हम लोग चार माले से हम लोग नीचे आए, तो एक बच्चा हमारे सामने से भागा नीचे और हर माले की का उसने बटन दबाया, तो वी हैड टू स्टॉप इट ऑल फ्लोर्स. सर इतनी सारी फिल्म्स करते हैं माशाल्लाह, सब बहुत अच्छी चलती हैं, लोगों को पसंद आती हैं, जब बिग बॉस करते हैं एक अलग एनर्जी आती है, क्योंकि इसने बहुत चीज़ें बदली हैं भारतीय इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के सिनेरियो में. इसमें रिहर्स तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो इसमें सब जितना भी होता है स्पॉन्टेनियस होता है, तो वो वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट उसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि रिएक्शन इंस्टेंटली होता है. अभी मैं उनसे सवाल पूछूँ, वो एक मुझे थोड़ी पता कि वो जवाब क्या देने वाले हैं, फिर you know you need to be very in the loop of you know watching Big Boss every single day to know ke ye ye kya kar rahe hain, ye kaun se rukh mein ja rahe hain wagairah. Sir aakhri sawal, log aapko bahut dekhna pasand karte hain wahi jab hosting karte hain, but agar kabhi mauka mile, agar aapko bula jaye ke ek din us ghar mein ja ke dekhna, to kabhi try karna chahenge? Interesting hai, lekin pass marta hu isme se. I'll just मेरे से नहीं होगा ये. चलिए सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के, बेस्ट ऑफ लक आपको, आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और एंटरटेन करते रहिए हमें. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच सर.